बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्राउज़र डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हमने कुछ बीट्स लिए हैं रेड कलर की। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कड़े बनाएंगे इस तरह से। हम इस तरह से इस कड़े को टर्न करेंगे। इसी तरह से हम 7 कड़े बनाएंगे। हमने इस तरह से कड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी मेज़र करेंगे। हमने 4 इंच पे ये कड़ा बनाया है। अब इसके 2 हिस्से करेंगे इस तरह से। अब हम पेपर लेंगे और पेपर पे मार्किंग हमने कर ली है। हमने ये आधे इंच की मार्किंग की है लंबाई में, और चौड़ाई में ये हमने 2 सेंटीमीटर का निशान लगाया है। अब हम कड़े लगाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम 2 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे कड़ा लगाने के लिए। फिर हम इसमें जो गैप छोड़ेंगे वो हम 2 इंच पे गैप छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम निशान करते जाएंगे पूरी पट्टी पे। हम ट्राउज़र के पोंचे के हिसाब से लेंगे। हमने ये कड़ा लिया है। अब हमने जो निशान किया है उसके ऊपर इस तरह से रख के हमने जो निशान लगाया है लंबाई में उसके ऊपर सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। हमने इस तरह से कड़े बना लिए हैं। अब हमारी सीधी साइड है ट्राउज़र की, हम इस तरह से सेंटर करके रखेंगे। और हम फोल्डिंग के लिए ऊपर ये पट्टी ली है, हम इसको इस तरह से रख के फोल्डिंग करेंगे। हमने इस तरह से फोल्डिंग का कपड़ा लगा दिया है। अब हम ये पेपर निकाल देंगे। अब हम फोल्डिंग करेंगे। हमने फोल्डिंग वाली सिलाई करती है। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक स्ट्रिप तैयार करेंगे। हमने स्ट्रिप बनाने के लिए जो पट्टी ली है वो हमने 2.5 इंच पे वेद में लिया है और लंबाई में पोंचे के हिसाब से लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से स्ट्रिप बना लिए। अब इसको फोल्ड करके और सेंटर में ये सिलाई को इस तरह से रख के आयरन से सीधा करेंगे। हमने इस तरह से स्ट्रिप तैयार कर दी है। अब हम पोंचे के ऊपर रखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे। हमने ये जो फोल्डिंग वाली सिलाई की है इसके ऊपर सेंटर करके इस तरह से रखेंगे और ऊपर से सिलाई से इसको अटैच करेंगे। हमने एक स्ट्रिप ऊपर से लगा दी है। अब हम दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के फासले पे इस तरह से। और इसी तरह हम 3 स्ट्रिप लगाएंगे। हमने स्ट्रिप तैयार करके ऊपर से लगा दी है। अब हम इसी तरह से पर्ल्स लगाएंगे जहाँ पे हमने ये कड़ा लगाया है इसके ऊपर ही लगाएंगे इस तरह से। दोनों पट्टियों को इस तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा गैप छोड़ के जितनी हमारी पर्ल की साइज है हल्का सा टर्न करेंगे ताकि ये साइड हमारी सीधी रहे।
हमने दो पर्स जो लगाए हैं वो हमने कड़े के ऊपर लगाए हैं। हम दूसरी स्ट्रिप पे इस तरह से जहाँ पे हमारा सेंटर में गैप है हम इसी तरह पूरी स्ट्रिप पे लगाएंगे पर्ल्स। हमने ये पर्ल्स लगा दिए हैं। ये हमारी फाइनल लुक है ट्राउज़र की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।